हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि इस पर्सन के फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप लगातार इस बात से परेशान हैं कि पता नहीं आपके ये जो पर्सन है इनके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में क्या बातें करते होंगे, क्या सोचते होंगे, आपके पीठ पीछे क्या बातें चलती होगी। अगर ये सब आपके सवाल हैं तो उसके जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। नाइन ऑफ स्पेल्स, द इंचेंटर, Child of Spells, the Liar, and Ace of Bones. Okay. तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें लगता है कि द लायर के साथ आप इस पर्सन से जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप यू नो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए किसी ना किसी तरीके की स्टोरी बना रहे हैं। ये लोग इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि किस तरीके से ये पर्सन आपको चाहने लगा है, किस तरीके से ये पर्सन आपके क्लोज आ गया है। ये जो भी लोग हैं ये चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे कुछ दूरी बना के रखे। नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई बाउंड्री ड्रॉ की जा रही है। ओके, एंड इस पर्सन को शायद ये समझाया जा रहा है कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए बिकॉज आप द लायर हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, और जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हैं उसे आप पूरा नहीं करेंगे। द लायर हमेशा किसी झूठ के बारे में नहीं होता। एंड यहाँ पे इस पर्सन को ये बताया जा रहा है कि उन्हें आपसे इसलिए दूर रहना चाहिए कि आप बस एक मजिशियन है, द इंचेंटर है। तो लगता है कि इनके फैमिली मेंबर्स इन्हें अभी कुछ बता रहे हैं उन्हें आपकी क्वालिटी से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज आप खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, आप चार्मिंग हो सकते हैं, बट फिर भी आप सच नहीं बोल रहे हैं या अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करने वाले। आप कभी भी अपने वादे को निभाएंगे नहीं, और आज नहीं तो कल ये रिलेशनशिप टूट ही जाएगा क्योंकि आप दोनों के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी किसी न किसी वजह से। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल डिफरेंस भी हो, ओके, लोकेशन का डिफरेंस हो सकता है। तो इन्हें ये बताया जा रहा है कि इतना डिफरेंट होने की वजह से आप दोनों के बीच कभी बैलेंस नहीं बनेगा, आप दोनों कभी एक पेज पे नहीं आएंगे, और ऐसा रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल नहीं होता। इस तरह की बातें हो रही हैं आपके पीठ पीछे, ओके, एंड बातें कितनी भी हो रही हैं मुझे नहीं लगता उसका कोई असर होने वाला है क्योंकि देख रहे हैं आप एस ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन पहुंच ही गया ये अंगूठी लेके आप तक। ओके, तो चाहे ये पर्सन कुछ भी सुन रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, मतलब कहा जा रहा हो इनसे, ये पर्सन अपने मन को रोक नहीं पाएगा। ओके, नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ हो सकता है कि कभी कभी ये पर्सन बीच में आपसे दूरी बना ले, आपसे बात करना बंद कर दे या कुछ ज़्यादा ही शांत हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें इस तरह की गाइडेंस मिल रही है, इस तरह की नेगेटिविटी मिल रही है। बट फिर एस ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन रेडी हो जाएगा आपको वो कमिटमेंट देने के लिए जो वो देना चाहते हैं। ये पर्सन लगता नहीं मुझे कि ये रुकने वाले हैं। चाइल्ड ऑफ स्पेल्स के साथ इन लोगों को ये लगता है कि आप कोई मजिशियन हैं, ओके, आप जो चाहे वो कर सकते हैं और इनफैक्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप धीरे धीरे उन्हें उनसे दूर कर रहे हैं। नाउ ये वो लोग हो सकते हैं जो हमेशा से ही चाहते थे कि उनका ये जो पर्सन है वो हमेशा उनके अकॉर्डिंग ही चले। शायद उनके फैमिली मेंबर्स ने ही हमेशा ये डिसाइड किया कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, किस फील्ड में होना चाहिए, क्या जॉब करनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अब शायद इन लोगों की ये उम्मीद है कि वो लाइफ पार्टनर भी उनके ही अकॉर्डिंग चुने
और इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स भी आपको अभी पूरी तरह जानते नहीं हैं। हो सकता है आप इनसे ज़्यादा मिले ना हो या कभी भी ना मिले हो, बस आइडियाज़ है, अजम्पशंस है, मतलब जो बातें दिमाग में बैठी हुई हैं उसी से वो चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे हैं। अभी इन लोगों को भी रियलिटी का पता नहीं है आपके बारे में, ओके, कि आप एग्जैक्टली है कौन। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है एंड ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सस्पेंशन, एट ऑफ स्पेल्स, टेन ऑफ बोन्स, एट ऑफ बोन्स एंड टू ऑफ चैलेंजेस। ओके, तो हमारे पास है कार्ड ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के साथ लगता है जैसे कि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है एंड आपका पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस वक्त। आपका पर्सन कुछ घबरा जरूर रहा है, बट एट ऑफ स्पेल्स के साथ ये जो फीलिंग्स है ना इनकी, वो आपकी तरफ चली आ रही है। ओके, ये जो आप आउल देख रहे हैं ये फीलिंग्स के बारे में भी है और एक तरीके की प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी है। तो इस पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ उनका जीवन सुखी होगा, आप ही उन्हें समझते हैं और आप ही उनके लिए वो फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। तो ये एक लंबी जर्नी है जो बस अभी शुरू हुई है। टेन ऑफ बूंस के साथ मुझे तो यहाँ पे मैरिज दिख ही रही है। सो अब कोई खुश हो या ना हो, लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस टेन ऑफ पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट कर ही लेंगे। ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों शादी करें। एस ऑफ बोन्स और टेन ऑफ बोन्स है साथ में, तो यहाँ पे मुझे एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, शादी दिखाई दे रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हर कोई इस रिलेशनशिप को ब्लेम नहीं कर रहा। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके पर्सन को समझते हैं। एट ऑफ बोन्स के साथ कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, कोई फीमेल, कोई रिलेटिव, कोई सिबलिंग या इनकी मदर, फेमिनिन एनर्जी कोई हो सकती है जो आपके कनेक्शन को समझती है। टू ऑफ चैलेंजेस के साथ आपके पर्सन को लगता है कि आपके बिना जीवन चल सकता है मगर उस जीवन में खुशियां नहीं होंगी। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। इस पर्सन को हालांकि थोड़ा सा अकेला जरूर महसूस हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि अभी ये कन्फ्यूजन में है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, बट जल्दी ये पर्सन सॉर्ट आउट करेगा। क्योंकि पहले तो मैं यहाँ एस ऑफ बून देख रही हूँ, कमिटमेंट, और फिर मैं देख रही हूँ टेन ऑफ बून्स, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ही होंगी। और अगर नहीं होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन को कोई खास फर्क पड़ने वाला है, वो तो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। रिवर वुमन, ओके, तो रिवर वुमन के कार्ड के साथ अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन इमोशंस में बह रहा है। ओके, ये पर्सन पूरी तरह से लव को फील करना चाहता है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्होंने हमेशा फैसले दूसरों के अकॉर्डिंग ही लिए हैं और बस अब ये और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शायद इनके करियर से लेके, शायद मैं बात रिपीट कर रही हूँ, पहले बोल चुकी हूँ कि ये पर्सन अपने करियर से लेके अपनी चॉइसेस तक हर चीज़ दूसरों के अकॉर्डिंग करता है कि दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, और अब ये और इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ओके, तो रिवर वुमन के साथ इन्हें लगता है कि आप वो पर्सन है जो इन्हें वो इमोशंस फील करवा सकते हैं जो उन्होंने नहीं किए।
आप इन्हें प्यार दे सकते हैं, वाटर प्यार का साइन है, तो डेफिनेटली ये इमोशंस बहुत स्ट्रांग है और इस पर्सन को फिलहाल अपने इमोशंस के साथ ही बहना है, क्योंकि इसमें उन्हें बहुत रिलीफ मिल रहा है, बहुत यू नो हैप्पीनेस मिल रही है. ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुई उनके जीवन में, वो कभी भी फ्री नहीं रहे. ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस पर्सन के फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.